मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर उड़नदस्ता टीम की एक समीक्षा बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह, एसपी राजेश चंदेल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक में उड़नदस्ता प्रभारियों से उन्हें भ्रमण के दौरान आ रही परेशानियों के बारे में विचार विमर्श किया गया है। यह उड़नदस्ता हर विधानसभा में 9 अक्टूबर से लगातार दौरा कर रहे हैं। हर विधानसभा के लिए तीन तीन उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि इस मामले में लगातार समीक्षा होती रहेगी और यह उड़नदस्ते ठीक से काम करें, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये जो उड़नदस्ता, जिसको आप सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, जिसको फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं अंग्रेजी में, उनकी रवानगी हो रही है। उड़नदस्ता, जैसा कि पता है कि जहाँ भी सूचना मिलती है, जहाँ पहुँचने को बोलता है, उसमें यथाशीघ्र पहुँचता है। उसके पास एक गाड़ी होती है, एक वीडियोग्राफर होता है, एक मजिस्ट्रेट होता है, सामान्य तौर तीन पुलिस वाले होते हैं और एक लाउड स्पीकर होता है, पीए सिस्टम होता है। वो वहाँ जाता है जहाँ की शिकायत मिलती है और वहाँ पे कार्रवाई करता है। हर विधानसभा में तीन उड़नदस्ता हैं और उनकी आज एक समीक्षा मीटिंग थी, उनकी ट्रेनिंग भी थी। वैसे तो 9 तारीख से ये चल रहा है, पर 9 तारीख से अभी तक क्या किया, किसको क्या कठिनाई आ रही है, तो उन सबको पूछ करके उनकी जो कठिनाइयाँ थी वो दूर करके एक साथ रवाना किया जा रहा है, ताकि सब तरफ ये मैसेज हो जाए कि बहुत सख्त निगरानी।